जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। गौरव भाले हिमालय उज्जवल, हृदय हारे गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर माननीय उपनिदेशक रेशम महोदय, रेशम विभाग एवं अन्य विभागों से आए हुए हमारे साथी कर्मचारी गण एवं अन्य लोग, साथियों, मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि हम लोग अपने अधिकारों की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये ना हो कि हम आज यहाँ पर आए और हमने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपनिदेशक महोदय को सुना या मेरे विचार सुने, मैडम के सुने, उसके बाद हम चले गए बाउंड्री के बाहर और फिर वही रोज की दिनचर्या हालांकि प्रारंभ हो जाएगी, मगर कम से कम एक प्रण हम ये ले लें कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, जो हमारे महापुरुषों ने एक संविधान हमें दिया है, एक लोकतंत्र हमें दिया है, अगर हमें उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। ज्यादा नहीं, हम अपना व्यवहार अच्छा रखें, हमारे जो संवैधानिक दायित्व हैं, जो हमें कार्य आवंटित हुए हैं सरकार की ओर से, शासन की ओर से कम उन्हें ही हम ईमानदारी से निर्वहन कर लें, यही हमारे लिए देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि सन 1950 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र घोषित हुआ था। इस देश को गणतंत्र, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जनता का शासन रहेगा, कोई किंगडम नहीं होगा, कोई राजशाही नहीं होगी, ये घोषणा की गई थी। तो ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो रोज ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मगर इस दिन पर हम अपने महापुरुषों को, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लाखों अज्ञात अज्ञात लोग जिन्होंने अपने प्राण इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए, हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे साथ बुलंद आवाजों से राष्ट्र के लिए समर्पित एक नारा लगाने की कृपा करेंगे। भारत माता की जय, जय, भारत माता की जय, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय भीम, जय उत्तराखंड। श्लोक, टुडे वी ऑल आर हेयर टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। एज एवरीवन नोज, टुडे इज 26th of January। टुडे वी सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड बिकॉज टुडे आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल बुक। इट इज इन इट इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एज आई सेड, इट इज रिटन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट वॉज मेड ऑन 1949
November 26th, but it came into act after just 2 months later in 1950 January 26th as it is today. So everyone knows that there was a drafting committee that drafted our constitution, and our lovingly chairman, truly hearted Dr. B.R. Ambedkar, who made this constitution for us, as he was the chairman of this committee. So thank you and have a marvelous day ahead. Jai Hind, Jai Bharat, and have a happy Republic Day ahead. आज आप सभी को सुप्रभात। मैं संस्कृति आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के बारे में एक कविता बोल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तीन रंग का है तिरंगा, हम सबकी पहचान है, आन देश की शान देश की, हम तो इसकी ही संतान है। शाबाश शाबाश। अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाज में ना कोई वंचित हो, ना कोई शोषित हो, ना कोई कमजोर हो। समाज में ना कोई वंचित हो, ना कोई शोषित, ना कोई कमजोर हो। चारों तरफ बस प्यार ही प्यार हो, कहीं भी कैसा भी नफरत का ना कोई शोर हो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।